गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम चैप्टर नंबर 5 रीड करेंगे कंप्यूटर की बुक का। नेम ऑफ द चैप्टर इज नो द माउस, मतलब इसमें हम माउस के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लुक एट द पिक्चर, सर्कल द माउस। अब इस पिक्चर में आपको जहाँ पे भी माउस दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपने सर्कल करना है। जैसे ये मैं कर्सर घुमा रही हूँ तो ये क्या है, माउस, तो इसको आप सर्कल कर दोगे। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। ये पेज हमने पहले भी किया था। लुक एट द कंप्यूटर माउस, इट हैज़ टू बटन्स, इट हैज़ अ स्क्रोल व्हील बिटवीन टू बटन्स, अ वायर कनेक्ट्स द माउस टू द सीपीयू, एंड हेयर द माउस, अ माउस विदाउट अ वायर इज कॉल्ड अ वायरलेस माउस। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली क्लास में आपको पूरा ये समझाया था कि जो माउस है कंप्यूटर का, इसके टू बटन्स होते हैं और एक स्क्रोल व्हील होता है। ये जो सेंटर में है ना, इसको कहते हैं स्क्रोल व्हील, और ये एक लेफ्ट बटन, ये राइट बटन। नाउ व्हेन वी मूव द माउस, जब हम माउस घुमाते हैं, वी सी द एरो मूविंग ऑन द मॉनिटर। अब जैसे देखो आपको ये एरो घूमकर दिखाई दे रहा है ना, एक ये मैं भी कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ, जैसे मेरा मैं माउस घुमा रही हूँ ये एरो मूव कर रहा है। व्हेन वी मूव द माउस वी सी, हम देखते हैं एन एरो मूविंग ऑन द मॉनिटर। अब ये मॉनिटर के ऊपर एक एरो घूम रहा है ना, क्योंकि मैं माउस हिला रही हूँ इसलिए घूम रहा है। दिस एरो इज कॉल्ड द माउस पॉइंटर। अब इस एरो को क्या बोलते हैं, माउस पॉइंटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नाउ द माउस पॉइंटर मूव्स टू द राइट, व्हेन वी मूव द माउस टू द राइट, जब हम राइट साइड में माउस घुमाएंगे तो वो राइट साइड पे जाएगा। व्हेन वी मूव माउस पॉइंटर्स टू द लेफ्ट, देन इट मूव्स टू द लेफ्ट। अब देखो, जब हम लेफ्ट साइड पे करेंगे तो माउस जो है ये लेफ्ट साइड पे आ गया, अगर राइट साइड पे करेंगे तो राइट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये लिखा है, अ माउस पॉइंटर मूव्स अप ऑन द मॉनिटर, मॉनिटर के ऊपर मूव करता है। कब, व्हेन वी मूव द मॉनिटर अप, तो जब हम व्हेन वी मूव द माउस अप, जब हम उसको ऊपर की तरफ करते हैं। अभी मैं उसको ऊपर ले गई तो ये ऊपर की तरफ चला गया कर्सर, है ना। अब आ गया द माउस पॉइंटर मूव्स डाउन, व्हेन वी मूव द माउस डाउन, जब हम माउस का, कंप्यूटर का माउस नीचे की ओर करते हैं, डाउन करते हैं, तो उसका कर्सर भी डाउन हो जाता है। मतलब नीचे को माउस हिलाएंगे तो नीचे आएगा, ऊपर को करेंगे तो ऊपर जाएगा, लेफ्ट में करेंगे तो लेफ्ट में जाएगा, राइट में करेंगे तो राइट में जाएगा। वी कैन यूज अ माउस टू पॉइंट एट थिंग्स ऑन द मॉनिटर। अब हम मॉनिटर के ऊपर एक पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, देखने के लिए माउस यूज़ करते हैं। अब जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं लाइन के ऊपर घुमा रही हूँ, आप फिंगर के साथ टच करके लाइन कर रहे हो, मैं पॉइंटर के साथ कर रही हूँ, तो मैं पॉइंट कर रही हूँ ना लाइन को। वी कैन यूज़ द माउस टू पॉइंट ऑन, पॉइंट एट थिंग्स ऑन द मॉनिटर, प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर, ड्रॉ पिक्चर्स ऑन ए कंप्यूटर। अब गेम प्ले करने के लिए, पिक्चर ड्रॉ करने के लिए हम पॉइंटर को, माउस को यूज़ करते हैं। और माउस, जैसे मैं माउस हिला रही हूँ वैसे देखो कर्सर भी घूम रहा है। अब ये माउस क्या कह रहा है, यू कैन नॉट यूज़ मी, वो कहना मुझे नहीं यूज़ कर सकते, यू कैन नॉट यूज़ मी टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर, मतलब दिस इज़ नॉट अ कंप्यूटर माउस, ये तो वैसे रैट है ना, जिसको आप माउस भी बोलते हो। नाउ नेक्स्ट पेज, वी प्लेस द माउस ऑन ए माउस पैड, दिस हेल्प अस टू मूव द माउस स्मूथली। हम माउस पैड, माउस जो है उसको माउस पैड पे रखते हैं। ये देखो माउस है, एक मिनट, ये माउस जो है माउस पैड के ऊपर पड़ा हुआ है, जिसके साथ ये बड़े स्मूदली घूमता है। ठीक है बेटा, दिस इज़ द रीडिंग ऑफ योर चैप्टर, दैट्स इट। और एक्सरसाइज फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज ये रीडिंग हो गई आपकी, अच्छे से समझ लो। ठीक है, अब ये नीचे आ जाओ। चलो ये टिक, ये भी करते हैं, टिक द करेक्ट आंसर्स। द दिस लाइज बिटवीन द टू बटन्स ऑफ अ माउस, मतलब दो बटन्स जो होते हैं माउस के, उनके बीच में होता है। क्या होता है ये, सीपीयू या स्क्रोल व्हील? यस, इट्स स्क्रोल व्हील, जो घूमता व्हील होता है ना वो स्क्रोल व्हील।
वायर कनेक्ट्स द माउस टू द, वायर जो होती है माउस की उसको किसके साथ जोड़ते हैं हम, सीपीयू के साथ के मॉनिटर के साथ, द आंसर इज सीपीयू। द माउस पॉइंटर मूव्स एज वी मूव द, माउस पॉइंटर कब घूमता है, जब हम मॉनिटर को घुमाते हैं या माउस को घुमाते हैं, जब भी हम माउस को हिलाते हैं तो माउस पॉइंटर मूव करता है, हिलता है, ठीक है। नाउ दिस इज अबाउट हाउ टू होल्ड द माउस, ये इसमें बताया कि माउस को कैसे पकड़ना चाहिए। होल्डिंग अ माउस, होल्ड अ माउस एज शोन बिलो, जैसे देखो नीचे दिखाया गया ऐसे माउस को पकड़ना चाहिए। ये इधर आपकी ये इंडेक्स फिंगर, ये मिडल फिंगर साइड पे रखते हैं, इंडेक्स फिंगर जो लेफ्ट बटन पे, मिडल फिंगर राइट बटन पे। ये नीचे लिखा है करेक्ट वे टू होल्ड द माउस फॉर द राइट हैंडेड पर्सन, मतलब जो राइट हैंड से काम करते हैं वो ऐसे पकड़ते हैं माउस को, ठीक है। और ये जो है वो लेफ्टी होते हैं, जो लेफ्ट हैंड से सारे काम करते हैं, वो एक फिंगर इधर रखते हैं, एक फिंगर तो वैसे ही होती है उनके, इंडेक्स फिंगर भी और मिडल फिंगर के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन वो हैंड चेंज करते हैं, वो लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं और ये राइट हैंड यूज़ करते हैं। दैट्स इट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, मतलब कोई बात नहीं समझ आई तो मैं क्लास में समझाऊंगी, सो प्लीज़ डोंट मिस द क्लास। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।